तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वॉशिंग मशीन का ड्रायर को किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो हम यहाँ पर ड्रायर है इसको निकालना सीखेंगे। और दोस्तों उसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो पेच है उसको खोल लेना है। ठीक है, मैं खोल चुका हूँ। और ऊपर की साइड जैसे झटका मारेंगे तो देखिए सैमसंग का तो इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, और कंपनियाँ होती हैं, देखिए अलग अलग पेच होते हैं, उसका मैं अलग अलग आप लोगों को दिखा दूँगा। देखिए अब इसको निकालने के बाद आप लोग इसको खींचेंगे, ऐसा तो ये निकलेगा नहीं। अब आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से यहाँ पर सुनना आप लोगों को। देखिए नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पेच नज़र आएगा जो मोटर की सॉकेट पे ऊपर वाला पेच होता है, यानी कि इसका 10 नंबर या 8 नंबर की टामी और गोटी लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 नंबर की टामी का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं, पहले यहाँ पर इसको खोल दिया है हमने इससे। ठीक है, अब इसको खुल गया बोल्ट। अब क्या करना है, देखिए अब हमारी जो सॉकेट है वो एकदम फ्री हो गई है। क्या करना हो गई है, फ्री हो गई है, यानी कि कोई भी इस पर दबाव नहीं रहा है। अब आप लोगों को देखिए करना क्या है, अब जो हमारा ड्रायर है उसको थोड़े हल्के से झटके से ऊपर की साइड आप लोग खींचेंगे तो हमारी जो सॉकेट है वो उसमें से निकल जाएगी, पुली में से, और हमारा जो ड्रायर है दोस्तों वो बाहर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो है ना बिल्कुल आसान तरीका इसको खोलने का। तो दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी गंदगी वगैरह ये आप धो भी सकते हैं, इसको साफ भी कर सकते हैं।